विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है और वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस वोटिंग से खुद को अलग कर चुकी है। बात करेंगे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी से, जो कि बसपा विधानमंडल दल के नेता हैं। सर, क्या ऐसी वजह रही कि आप लोगों ने खुद को अलग कर लिया इस पूरे चुनावी प्रक्रिया से? इसलिए कर लिया कि हमको ऐसा लगता है, और ऐसा लगता नहीं बल्कि यही सही है, कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है सरकार का। और चूंकि अब आप देखिए, मात्र 1.5 महीने बचे हैं या हार्डली 2 महीने बचे हैं, तो जो चीज़ लगभग 4.5 साल और पूरे कार्यकाल में नहीं हुआ, वो एकाएक फिर एजेंडा जारी कर दिया जाता है कि ये चुनाव हम लोग करा रहे हैं। तो हमारा ऐसा मत था कि भाई ये चूँकि इन लोगों की अपनी एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इनकी नूरा कुश्ती है, इसलिए हमने अपने को कर लिया। सर, लेकिन अभी तक तो ऐलान आप लोगों ने कहीं नहीं किया था, विधानमंडल दल की जो है वो बैठक में भी गए थे, और ये तो पहले से मालूम था कि 2 दिन पहले कि उपचुनाव होने वाले हैं। आज आप लोगों ने पहले बहिष्कार किया, तो क्या वजह रही कि जिसको लेकर बहिष्कार करना पड़ा, सदन का भी बहिष्कार करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा कि हम अपनी बात कहना चाहते थे। हमने बार बार खड़े होकर के वहाँ अनुरोध किया कि हम इस बात पे अपनी बात को कहना चाहते हैं और अपने दल की तरफ से अपना मत रखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों को बोलने की वो नहीं मिल पा रही थी, तो जाहिर है कि जब वन साइडेड चल रहा था तो हम लोगों ने फिर यही उचित समझा कि हम अपने को अलग कर लें उससे। एक लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इसमें जो है वो हिस्सा लेना चाहिए था? 14 साल बाद जो है वो कोई उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है और एक लंबे समय बाद वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी अलग उतारा है और समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी भाजपा ने उतारा। देखिए, हम संसदीय परंपराओं को मानने वाले, उसका आदर सम्मान करने वाले लोग हैं। आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा डिसिप्लिन एक कि डेमोक्रेसी में मानने में सबसे ज़्यादा हम आगे रहते हैं, और वी आर द डिसिप्लिन पीपल, तो उसमें कहीं कोई मत नहीं है। हम इसको बिल्कुल स्वागत करते, दोनों हाथ फैला के स्वागत करते अगर ये पूरी सही तरीके से होता। लेकिन अब खाली सो कॉल्ड कि हमने ऐसा कर दिया 14 साल पहले, तो भाई मेरा कहना ये है, हमारा दल इसमें ये व्यू रखता है कि आप बेहतर था, अभी तो 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ही सदन चला था। आप कहते, आप विपक्ष को मीटिंगें उस वक्त भी हुई थी, सर्वदलीय बैठक भी हुई थी और सारी बातें हुई थी, कारण कभी भी कहते आपके भाई ऐसा कर लिया जाए या इसमें हमारा ये मत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा न होने के बाद फिर आप विपक्ष को उसकी बात कहने का भी मौका नहीं देंगे। संख्या का आपके पास, इसमें नो डाउट भाई आपके पास थंबिंग मेजॉरिटी है, तो आप उसका जिस तरह से चाहें लाभ लेना चाहें, विपक्ष को बिल्कुल घोटना चाहते हैं गला उसका, तो ठीक है आप करिए, आपको चूंकि थंबिंग मेजॉरिटी है आप कर सकते हैं ये काम, लेकिन हम अपना विरोध तो करने का अधिकार हमारा है और जो हमें उचित लगा हमने किया। 2 दलों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, एक बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ा रही है अपने प्रत्याशी को, और भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है एक प्रत्याशी जो कि बगावत कर चुके हैं समाजवादी पार्टी से। तो क्या किसी दलों के नेताओं ने आप लोगों से संपर्क किया, समर्थन मांगा था आपसे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम तो सच बोलने में बिलीव करते हैं। मेरे पास खन्ना साहब का फोन आया था, तो हमसे ये बात कही गई कि भाई हम ऐसे इस तरह से कर रहे हैं नॉमिनेशन और फला साहब को कर रहे हैं, बल्कि हमने उस वक्त उससे ये कहा, हमने कहा जैसा हमको समझ में आता है कि ये तो विपक्ष से होता है, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा हमसे कि चूंकि वो विपक्ष के ही उस पे हैं, मतलब ऑन पेपर मिस्टर नितिन बिलोंग्स टू समाजवादी पार्टी। तो बहरहाल वो एक सरसरी बात थी और ज़्यादा कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यार इसमें हम, ये भी बात सही है कि उन्होंने हमसे ये बात कही थी कि हम लोग इसमें सहयोग चाहते हैं। हमने उस वक्त यही कहा था कि भाई हमको कोई वो नहीं, हम लोग बैठेंगे एक पूरे अपने दल के साथ और अपने सारे विधायकों के साथ, अपनी नेता से भी कंसर्न करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। चूँकि ये आपने एकदम से 2 दिन पहले हमको बताया है, अच्छा कोई ऐसा नहीं कि हमको कोई हमारी राय मांगी गई या ये कहा गया कि कैसे किसको लड़ा दिया जाए, कि एक बात बताई गई जस्ट टू कि मतलब ये हम करने जा रहे हैं। तो बहरहाल, और जहाँ तक सपा की आपने बात कही,
उसका बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था, ना हमसे किसी ने संपर्क किया। ये बात सही है कि कल जो हमारी कार्ड मंत्रा थी उसमें ये बात निकल के आई कि एक कैंडिडेट और भी नॉमिनेट करा दिया गया सपा की तरफ से। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि अच्छा, ये इस्टेब्लिश फैक्ट है कि ठीक है, हर दल को अपना तरीका है विरोध करने का, डेमोक्रेसी में वो जो ठीक समझता है करता है, सपा ने जो ठीक समझा किया भाई उसको। लेकिन ये तो इस्टेब्लिश फैक्ट है कि 325 वाली सरकार को आप हरा नहीं सकते, वो तो वन साइडेड चुनाव है, और आप इसलिए उसको अपना दे रहे हैं कैंडिडेट की जस्ट आप एक मैसेज, यू वांट टू कम्युनिकेट द मैसेज इन द सोसाइटी दैट वी आर फाइटिंग, वी आर अपोजिंग इट। तो हम भी वही कर रहे हैं, चूंकि हमारे पास वो तो ना नंबर्स हैं ना वो हैं। एक हम बार बार कहते हैं कि हमने जो आज बहिर्गमन किया ये हमने इसी बात को रही कि सपा और ये बीजेपी की नूरा कुश्ती है भाई, जरा पानी दे देना, ये इनकी नूरा कुश्ती है, तो हम उसका पार्ट नहीं बनना चाहते। चलिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को। इन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि ये जो उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है उससे इनका दल खुद को अलग करता है, वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती चल रही है और इस नूरा कुश्ती का बहुजन समाज पार्टी हिस्सा नहीं बनना चाहती है। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।